तो एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके ऐसे सामने रेसिपी लेकर आई हूँ, तो देखने में तो बहुत सिंपल है मगर ये बहुत ही फायदेमंद है। आज मैं आपको थीखूर का हलवा बनाकर दिखाऊंगी फ्रेंड। ये देखिए थीखूर है, ये बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी है, हल्दी की तरह ये फरता है ज़मीन में। तो आप इसे चाहे तो घोल कर भी पी सकते हो। इसमें आयुर्वेद के अनुसार थीखूर एक जड़ी बूटी है। तीखुर का अनेक औषधीय गुण हैं। घाव, बुखार, खांसी की बीमारी, अधिक प्यास लगने की समस्या से तीखुर के इस्तेमाल, इतना ही नहीं एनीमिया, मूत्र रोग, डायबिटीज, पीलिया आदि रोग में बहुत तीखुर फायदेमंद है। तो अगर आपको जलन, कुष्ठ रोग, बुखार है तो इसमें भी आपको बहुत ठंडा पहुँचाता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे चाहे तो कच्चा भी घोल कर खा सकते हो। तो देखिए इसमें मैं आपको जितना खाना है उतना लीजिएगा, इस तरीके से डाल देना है। मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डाल दिया है मैंने, इसे अच्छे तरीके से घोल लेना है। आप इसे खाली पेट सुबह पी सकते हैं, ये कमर के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप इस तरीके से भी पी सकते हो। और दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ बनाकर। दूसरा तरीका ये है, ये देखिए मैं एक चम्मच इसमें देसी घी डालूंगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। तो देसी घी मैं डाल दी, ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें मैं तीखूर को भून लूँगी। और फ्रेंड आपको जितना खाना हो उतना ही बनाइएगा वरना ये जम जाता है। तो इसमें मैं पूरे तीखूर को भून लूँगी, इस तरीके से आपको भून लेना है, थोड़ा सा इसको भूनना है। ये बहुत ही हड्डी के लिए फायदेमंद है, कमर में अगर आपको दर्द है तो आप इसे बनाकर खा सकते हो। लिकुरिया का शिकायत है तो उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है, अगर आप दवाई कर थक चुके हो लिकुरिया का, तो इस तरीके से आप बनाकर खा लो। 4 से 5 दिन में आपके कमर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। और ये अजमाया हुआ नुस्खा है, मैं हमेशा यही ठंड में बनाकर खाती हूँ। ठंड हो या गर्म, हर सीजन में आप बनाकर खा सकते हो, ये हर किसी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरीके से इसे भून लेना है, आपको जितना खाना है उतना ही आप इसको बनाइएगा। ये थोड़ा सुनहरा हो जाएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे चाहें तो सठौरा में भी डाल सकते हो। भून चुका है तो मैं इतने मटेरियल का नहीं बनाऊंगी, आधा मैं इसमें से निकाल लूंगी, थोड़ा सा ही बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो आधा ही मैं इसका, देखिए फ्रेंड मुझे इतना ही चीज़ों का बनाना है। देखिए फ्रेंड अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा चीनी। अब इसको फेंट लेना है। अब देखिएगा ये बहुत एकदम गाढ़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जितना खाना हो उतना ही बनाइएगा, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इस तरीके से इसे बना लेना है फ्रेंड, ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और बहुत ही बीमारियों को दूर करता है ये। आप इसे बनाकर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब खा लीजिएगा, वरना ये ज़्यादा जम जाएगा ठंडा होकर तो अच्छा नहीं लगता है। आप इसे कुनकुना गर्म रहे तभी आप इसे खा लो। आइए इसको प्लेटिंग करके दिखा रहे हैं आपको, गैस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड ये हलवा बनकर तैयार हो चुका है, देखिए। और ये जो तीखूर मैंने भुना है आप इसे स्टोर कर रख सकते हो। आप जब आपको खाना हो तो आप भून कर रख लीजिए, थोड़ा सा पानी में डालकर, चीनी डालकर आप बना कर खा सकते हो।
और ये जो घोल मैंने दिखाया, आप जो सुबह खाली पेट हो तो इसे घोल कर पी सकती हैं, बहुत फायदेमंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।